हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शाह गैलरी पर। मैं हुसैन अब्बास फिर से लेकर आया हूँ ये वाली मस्त वीडियो। गाइस, इस वीडियो में पेंटिंग बनी हुई है ऑलरेडी, हम उसको डिक्रीज करने वाले हैं, मतलब उसको हटाने वाले हैं और उसके ऊपर नई वॉल ग्राफिटी करेंगे। तो कुछ तड़क भड़क नया मस्त करते हैं। तो गाइस, मैंने ना एक नया आइडिया सोचा है जिसमें कि मैं ना कि सिर्फ पेंटिंग बना रहा हूँ, मतलब उसमें क्या करना है, हम पोर्ट्रेट बनाएंगे, कैरिकेचर पोर्ट्रेट बोले तो कार्टून, मतलब ज़बरदस्त। तो मैं एक फ़ोटो है उसको मॉडिफाई करूँगा और उसको एक कैरिकेचर का रूप दे के और एक मस्त ग्राफिटी का रूप बना के उसमें धांसू वॉल पेंटिंग करेंगे। तो गाइस, बी रेडी, देखते हैं कैसा बनने वाला है। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और आई थिंक आप भी हो एक नए काम को देखने के लिए। कैसे करना है यार, बट ठंड भी बहुत ज़्यादा है, मतलब देख रहे हो डबल डबल कपड़े पहन रखे हैं, जर्सी भी है, फिर उसके ऊपर जैकेट पहन रखी है और ये पर्स लगा रखा है इतनी बड़ी ठंड में, और मेरे को आउटडोर पेंटिंग करनी है, कुल्फी जम जानी है। सो गाइस, चलते हैं, देखते हैं कैसा है स्पेस, कैसा है हमारा नया प्रोजेक्ट, कैसी है हमारी नई वॉल। तो लेट्स गो। सो गाइस, ये अपनी न्यू प्रोजेक्ट की न्यू वॉल जिसको ऑलरेडी काम हो रखा है और हम इसको डिक्रीज करने वाले हैं, हम इसको हटाने वाले हैं, इसके ऊपर भी हम अपनी नई ग्राफिटी करने वाले हैं। देखते हैं यहाँ पे कैसे होने वाला है हमारा मस्त सा। फिलहाल ये बंदर को हटा देंगे, कपड़े चेंज कर लें, महंगी महंगी जैकेट है यार, तो बनना चाहिए। बहुत टफ हो रहा है। गाइस, ये दीवार हमारी तैयार हो चुकी है, हमने इसमें बेस पेंट कर दिया है ऑलरेडी और बस अब ये तैयार है। इस पर हम पहले ड्रॉ करेंगे एज ऑलवेज। ये पूरा वॉल इसको कवर करने वाले हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। तो हम आपको दिखा दें कि ऐसे बनाने क्या वाले हैं। तो मैंने एक लेआउट तैयार किया था, स्केच किया है उसको, दिखा देता हूँ मैं आपको क्या चीज़ बनाने वाला हूँ और वो आगे कैसे बनेगा वो हम बात देखेंगे। फिलहाल जो मैंने रफली लेआउट स्केच किया है, देखते हैं ये मेरी स्केच बुक, मैं इसको पीछे से पलट रहा हूँ, बहुत बुरी हालत हो रखी है तो इसकी। ये मैं इस पर थोड़े से रफ स्केच बना लेता हूँ। ये मेरी स्केच बुक है, मैं इसको करता हूँ। दिस इज़ नॉट आवर वर्क, दिस इज़ नॉट आल्सो, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, किधर गया, ये रहा। ये हमारा पूरा स्केच बनने वाला है इस वॉल पर। छोटे से साइज को हम क्रिएट करने वाले हैं। तो गाइस, देखते हैं, एक्साइटेड फॉर दिस वर्क। बैग में से अपना मैं मटेरियल निकाल लेता हूँ। इसको प्रिंट करने वाले हैं।
गाइस दो पोर्ट्रेट ड्रॉ हो चुके हैं, लेकिन आप देख सकते हो कि छोटे मीडियम पे पोर्ट्रेट बनाना थोड़ा सा मतलब ईजी हो जाता है, लेकिन जब हम बड़े साइज़ पे बड़े लार्ज साइज़ में बनाते हैं कोई पोर्ट्रेट या कैरिकेचर तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आती हैं उसके लिए। और लोग जो हैं और आर्टिस्ट हैं वो प्रोजेक्टर यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ मैं फ्री हैंड यूज़ करता हूँ, मतलब फ्री हैंड ही मैं उसको ड्रॉ करता हूँ, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। देखते हैं यार, दो पोर्ट्रेट तो मेरे फटफट करके हो गए हैं, अब तीसरा और चौथा चार पोर्ट्रेट मेरे को कैरिकेचर बनाने हैं। उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि एडजस्टमेंट हो रही है, कंपोज करना है, मैनेज करनी है सारी चीज़ें, तो देखते हैं, पर मज़ा आ रहा है। चलो देखें, ये हमारा एरिया यही है इधर, मस्त सा भाई, क्या वाइब्स है ना यहाँ की, एक नंबर। सो तो चलते हैं, ये वाला पोर्ट्रेट हमारा हो गया है, मैंने जस्ट ड्रॉ किया है अभी सिंपली, और इधर ये वाला भी हो गया। मेरे से तो बहुत बड़े हैं यार ये। कैन सी ओके, तो लेट्स ड्रॉ द नेक्स्ट कैरिकेचर एंड देन वी विल पेंट। हेलो गाइस, तो आज ही हमारा सेकंड डे है और हमने कुछ काम रात नहीं हो पाया क्योंकि रात हो गई थी ज़्यादा और ठंड भी बहुत थी। आज थोड़ी सी धूप निकली है, मौसम देख सकते हो आप साफ है, तो आज हम काम करेंगे, आज शुरू करेंगे इसको। और हमारा लगभग काम बैकग्राउंड वाला तो हो गया, मैंने इसमें जो मोस्टली बैकग्राउंड के जो पार्ट थे वो मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। अब हमारा जो मेन है कैरिकेचर के फीचर्स हैं वो हम उसको आज करेंगे, उसमें डिटेल वगैरह रहती है वो बाद में देखते हैं, आज इसको हम निपटा देंगे। देख सकते हो आप बैकग्राउंड हमारा लगभग हो गया और ये हमारे जो है मेन कैरिकेचर्स हो गए, इसके अंदर का जो डिटेल्स है वो सब रहती है वो हम करते हैं। भाई देखते हैं, मजा आएगा, करते हैं स्टार्ट।
responsible. Hello guys, ये हमारे नेपाली भाई पदम. हेलो, हमारी पेंटिंग में काफ़ी हेल्प कराई है उन्होंने और हमारी पेंटिंग भी लगभग कंप्लीट हो चुकी है. अभी हम आपको दिखाने वाले हैं. आई वांट टू शो यू माय वर्क. क्या बोल रहे हो पदम भाई, क्या बोल रहे हो? हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो. सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर कर दो. सो गाइज, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर आपका सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहा, आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहा तो आगे मैं और वीडियो लेकर आता रहूँगा. ऐसे ही नई नई मस्त पेंटिंग, नई क्रिएटिविटी, धांसू, ज़बरदस्त और अमेजिंग काम करते रहेंगे, साथ सपोर्ट मिलकर करते रहेंगे, प्यार के साथ, सपोर्ट के साथ, मज़े के साथ, इंजॉय के साथ. थैंक यू गाइज. अभी और नई वीडियो आने वाली है, मेरे को नए प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं, नए काम मिलेंगे तो नए वीडियो आएंगी. और अगर आपको भी कोई काम कराना हो, आपको कोई वॉल पेंटिंग करानी है, आपको कोई रेस्टोरेंट डेकोरेट कराना है, आपको कोई घर में वॉल पेंटिंग करानी है या कहीं भी किसी भी जगह आपको अगर कोई काम है, कोई क्रिएटिव वाला वर्क करना है तो गाइस कॉन्टेक्ट लो और जुड़े रहो मेरे साथ, मेरे सपोर्ट करते रहो. आई होप कि आप सब लोग भी कुछ ना कुछ क्रिएटिव कर रहे होंगे और क्रिएटिव करते रहो. जब तक आप कुछ कर रहे हो तब तक जिंदा हो तुम. ओके गाइस, मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ. टाटा, बाय बाय, टेक केयर, ओके बाय.